हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। किराए के आलिशान मकान में चल रही थी जिसमें फरोशी देह व्यापार के आरोप में 3 महिलाएं व 5 पुरुष गिरफ्तार। मंडोर थाना क्षेत्र में पुलिस ने न्यू परिहार नगर के एक आलिशान मकान में छापा मारकर देह व्यापार में लिप्त 3 महिलाओं व 5 पुरुषों को गिरफ्तार किया। पौष कॉलोनी स्थित इस आलिशान मकान में चल रहे देह व्यापार के बारे में आस पास के लोगों तक को भनक नहीं थी। ACP मंडोर राजेंद्र प्रसाद दिवाकर के अनुसार न्यू परिहार नगर स्थित मकान में देह व्यापार होने की सूचना मिली। तस्दीक के बाद फर्जी ग्राहक बनाकर मकान में भेजा गया, जहां संचालिका से बात तय होने पर उसने इशारा किया। ACP दिवाकर के नेतृत्व में थानाधिकारी दिलीप खदाब व अन्य पुलिस कर्मियों ने मकान में दबिश दी, जहां से संदिग्ध हालत में मिले जनता कॉलोनी निवासी शिव सिंह, नया तालाब निवासी शाहबाज खां, गुजरावास निवासी इरफान, महामंदिर में घाचियों का बास निवासी रवि परिहार और उम्मेद चौक निवासी हिमांशु जांगिर को गिरफ्तार कर लिया गया। वहीं देह व्यापार चलाने वाली 3 महिलाओं को भी गिरफ्त में लिया गया। पुलिस का कहना है कि आरोपी महिला ने देह व्यापार के लिए न्यू परिहार नगर में मकान किराए पर ले रखा था। वो 5-6 माह से वहां देह व्यापार करवा रही थी। पुलिस का कहना है कि आलिशान मकान में चल रहे देह व्यापार के बारे में लोगों को आसानी से भनक तक नहीं लग पाती। पड़ोसियों तक को इसकी उम्मीद नहीं थी कि उनके मोहल्ले में देह व्यापार चल रहा है। जागरूक टीवी के लिए जोधपुर से मुकेश शीमर की रिपोर्ट।